ओवल की जीत के बाद भारतीय टीम को नहीं मिली लॉर्ड्स में कामयाबी। लॉर्ड्स की लड़ाई में इंग्लैंड के खिलाफ मिली भारतीय टीम को हार। दोनों टीमों के बीच सीरीज 1-1 से बराबरी पर। अगला मुकाबला 17 जुलाई को मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा। ये सीरीज का आखिरी मुकाबला होगा। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी चुनी। भारतीय गेंदबाजों ने लॉर्ड्स में दिखाया गेंद से दमखम। हार्दिक पंड्या ने दिलाई भारत को पहली सफलता। हार्दिक ने जेसन रॉय को 23 रन पर भेजा पवेलियन। जॉनी बेस्ट्रो जो रूट को युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी में फंसाया। इसके बाद बेन स्टोक्स भी नहीं बच पाए। खतरनाक बेस्ट्रो 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि 11 रन पर रूट LBW हुए। चहल ने 21 रन पर स्टोक्स को भी चलता किया। कप्तान रोहित ने 10 ओवर के बाद ही चहल को थमाई थी गेंद। मोहम्मद शमी के पसंदीदा शिकार बने जॉस बटलर। बटलर को 5वीं बार मोहम्मद शमी ने किया आउट। बटलर लॉर्ड्स वनडे में फिर रहे नाकाम। 5 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे जॉस बटलर। लॉर्ड्स मैच देखने पहुंचे भारत के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना। मैच के दौरान रैना की हुई MS धोनी से मुलाकात। दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। धोनी रैना के अलावा सचिन गांगुली भी मैच देखते हुए आए नजर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ चयन। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया वेस्ट इंडीज में खेलेगी 5 T20 मैच। विराट कोहली, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह को मिला इस सीरीज के लिए आराम। BCCI के बॉस सौरव गांगुली ने विराट कोहली को लेकर दिया बयान। गांगुली के मुताबिक विराट वापसी करने में है सक्षम। BCCI बॉस ने कहा कि उनको अपना रास्ता तलाशना है और वही ये कर सकते हैं। इसके अलावा गांगुली ने कहा है कि विराट वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उन्हें हम कम नहीं आंक सकते। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में खराब प्रदर्शन के कारण उमरान मलिक को भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा से कड़ी आलोचना मिली। चोपड़ा ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हैं। आकाश के मुताबिक उन्हें अभी समय चाहिए। उन्होंने बहुत अधिक क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए वे अभी कच्चे खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी को पुख्ता करने के लिए BCCI ऑस्ट्रेलिया से सीरीज कराने की तैयारी में जुटा है। कंगारू टीम भारत के दौरे पर आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा कर सकती है। इस दौरान 6 मुकाबले खेले जाएंगे। 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज हो सकती है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। डोपिंग के नियमों को तोड़ने की वजह से ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सस्पेंड कर दिया। ICC ने 10 महीने के लिए इस गेंदबाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया TV क्रिकेट YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया TV क्रिकेट YouTube चैनल के साथ। Beautifully played.